कांदलावाला से सलीम शेरवानी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान फैसलाबाद के नायब सदर और अंजुमन ताजरान सिटी सदर हाजी मकसूद अहमद भट्ट ने ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों और अपने साथी ताजरान को पैगाम देते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सदर अंजुमन ताजरान सिटी कांदलावाला जिले नायब सदर अंजुमन ताजरान फैसलाबाद मकसूद अहमद भट्ट ईद कुर्बान के हवाले से आप दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ। कुर्बानी हमें सब्र का सबक देती है, हमें हमेशा सब्र और तहम्मल से काम लेना चाहिए। कुर्बानी सुनते इब्राहिमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और सारे मुसलमान ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, ताकि ये सुनते इब्राहिमी मुकम्मल हो, गरीबों लोगों के लिए, यतीमों मस्किनों के लिए उनको गोश्त मिले, उनको हिस्सा मिले और वो खुशहाल हो। इस कुर्बानी का मतलब यही है कि हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ जिसकी खुदा ताला कुर्बानी मांगे वो देनी चाहिए। हम ताजरान साहब मिलके लोगों के लिए इस कुर्बानी ईद पर गोश्त तकसीम करेंगे और गरीब लोगों को गोश्त देंगे और बहुत से ताजर साहबान से जो दुकानदार हैं उनसे कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ अंजुमन ताजरान वाले आवाम को दिया जाए ताकि महंगाई का जो जोर जो बम इन पे गिरा हुआ है उससे कम होगा तो लोग मुस्तफीस होंगे। कुर्बानी हमें सबक देती है अमन का, हम हमेशा अमन के दाई रहे हैं और इस शहर कांदलावाला के अमन की खातर जो भी हक अदा कर सकते हुए करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माजी की तरह जिस तरह अंजुमन ताजरान ने हमेशा मेरा साथ दिया, तमाम सदूर अब भी मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला हम शहर की फलाह बहबूद के लिए हमेशा ही खुशहाल रहेंगे और अपनी हर कुर्बानी से कभी दरेग नहीं करेंगे। ये हमारे कोड़े बड़ा आगे ला देनी है चाबी कितने।